नमस्कार दोस्तों, अलग अलग समाचार पत्रों मीडिया से कुछ बेहद बड़ी जरूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यदि आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। खबर भारतीय रेलवे को लेकर, देश में जारी 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेल परिचालन को लेकर जनता के बीच काफी भ्रम पैदा होते देख भारतीय रेलवे ने सभी मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए कहा कि रेलवे मंत्रालय ने अभी तक ना तो लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलाने का न ही यात्रियों के लिए कोई यात्रा प्रोटोकॉल जारी किया है। बताते चले कि कुछ समाचार रिपोर्टों में लॉकडाउन के बाद ट्रेन सेवाओं के शुरू होने के दावे के संदर्भ में रेल मंत्रालय का यह बयान आया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी अरबपतियों की लिस्ट को लेकर, बताते चले कि प्रत्येक साल की तरह इस साल भी फोर्ब्स ने दुनिया की अमीर लोगों की 34वीं सालाना सूची जारी की, जिसके अनुसार लगातार तीसरी बार बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए 113 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। जबकि इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स दूसरे नंबर, तो वहीं भारत के सबसे अमीर शख्स रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 44.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 17वें स्थान पर बने हुए हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश में दलित अधिकारी को कन्नौज भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के द्वारा घर में घुसकर थप्पड़ मारने और उसके समर्थकों द्वारा पीटने का मामला सामने आया, जिसके बाद भाजपा सांसद सुब्रत पाठक पर SC ST एक्ट समेत 10 धाराओं में केस किया गया। तो वहीं इस मामले का सामने आते ही सपा बसपा तथा कांग्रेस नेताओं ने आरोपी सांसद पर कठोर कार्रवाई करने की अपील की। बताते चले कि प्रीत अधिकारी उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में तहसीलदार है, जबकि आरोपी उस क्षेत्र का भाजपा सांसद है। अगली खबर बिहार सरकार को लेकर, बिहार सरकार के पशुपालन विभाग ने बिहार में मांस और मछली से पाबंदी हटा दी है और कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसे खरीदा और बेचा सकता है। कृषि विभाग ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और इसे खाने को लेकर जोरदार वकालत करती नजर आई। बताते चले कि कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण लोगों के बीच इन सभी खाद्य पदार्थों को लेकर काफी भ्रम थी। तो वहीं अगली बड़ी खबर आर्थिक गलियारों से, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां कोरोना वायरस महामारी के दुनिया भर में गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे, तो वहीं भारत की रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर को 4.8% रहने का अनुमान बताया। बताते चले कि पिछले दिनों ही संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 40 करोड़ अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को गरीबी में जाने की आशंका जताई थी। तो वहीं अगली बड़ी खबर अमेरिका को दवाई निर्यात करने को लेकर, कांग्रेस ने भारत सरकार द्वारा अमेरिका को दिए गए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को इस दवाई को निर्यात किए जाने से पहले क्या मोदी ने भारत में इस दवाई के स्टॉक की स्थिति और इस दवाई को बनाने वाली कंपनियों के बारे में सोचा था? क्या पीएम मोदी ने देश की प्राथमिकता दी? साथ ही कांग्रेस ने कहा, अव्यवस्थित तरीके से किए गए लॉकडाउन के कारण लाखों मजदूरों की यदि मजदूरी प्रभावित होती है तो भुखमरी ज्यादा दूर नहीं है। बताते चले कि कांग्रेस ने सरकार से दूसरे आर्थिक पैकेज मांगे जाने की वकालत की। अगली बड़ी खबर बिहार को लेकर, बिहार में तबलीगी जमात से जुड़े 9 लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए बिहार सरकार ने 3 जिलों बेगूसराय, सिवान और नवादा के कुछ गांवों मोहल्लों को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित कर वहां कई अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजे गए। बताते चले कि DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि कोरोना के हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित इलाकों को सील कर दिया गया है। जहां बेगूसराय और सिवान में BMP की 8 कंपनियों को तैनात किया गया है, तो वहीं नवादा में यह काम जिला पुलिस के जिम्मे ही दी गई है। बताते चले कि जिन जिलों को सील किया गया है, उन जिलों के लोग बाहर आ जा नहीं सकते हैं। अगली बड़ी खबर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती को लेकर, केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को अपने सभी कार्यालयों में छुट्टी की घोषणा की है। भारत सरकार के क्रमिक मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह छुट्टी बैंकों के लिए भी अधिसूचित की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के संविधान निर्माता चिंतक समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बाबा साहेब के नाम से मशहूर अम्बेडकर अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस दौरान बाबा साहेब गरीबों, दलितों, महिलाओं और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। खबरों के इस सिलसिले में अंतिम दूसरी बड़ी खबर भारत में बढ़ते महामारी को लेकर, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के सामने आए 591 नए मामलों के साथ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5,865 हो चुकी है। तो वहीं इस खतरनाक वायरस से मरने वालों की संख्या 169 तक पहुंच गई है। राहत भरी खबर यह है कि 478 लोग ठीक हुए, जिन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो वहीं राज्यों की बात करें तो कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां संक्रमितों की संख्या 1,364 जबकि 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अंतिम खबर विश्व में कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर, इस समय विश्व भर में खलनायक बना यह वायरस अब तक 90,000 की जिंदगियों को अपने चपेट में ले चुकी है और फिलहाल इसके कम होने के आसार कम ही दिख रहे हैं। तो वहीं इस वायरस ने अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों को पूरे विश्व में संक्रमित किया है। बताते चले कि कोरोना वायरस ने अपना सबसे ज्यादा कहर यूरोप और अमेरिका में बरसाया। यदि आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका में 15,000 की मौत, तो वहीं इटली में 18,000 और स्पेन में 14,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।